Deathmaker heel going, he's going aggressive. Rockfuel का head दिख जाता है, but Rockfuel की next the first shot and वहाँ पे Deathmaker गिर जाते हैं. Initially attacking up में advantage मिल जाएगा, Rockfuel को एक और मिल जाएगा and this is a very, I would say, dominating and a great start coming in for Enigma, but अभी भी round convert नहीं हुआ. It is surely a disadvantage, but लग रहा है कि round convert होने वाला है. Rexy को एक pick मिल जाएगा, Marzel LFF side में थे, उनको भी eliminate कर देंगे. आखिरी दो players बचे हैं, that is going to be Hikka, I'm sorry, Amaterasu and Right to West, जो अलग साइड से A and B से आ रहे हैं, but Right to West starts it off, but 22, can he pull it off, captain? But talking about the coordination, जिस तरीके से शुरुआत किया है, Rockfuel first blood निकालते हैं, उसके बाद what happens? आप देखिए वहाँ पे Trailblazer के साथ साथ Rockfuel आ गया है, kill लेकर के गए, and अभी it's going to be a 2-2 world. Rockfuel 3 के निकाल चुके हैं, it's responsibility of Amaterasu, उनको किसी भी हाल में ये round clutch करना है. एक खिलाड़ी garage पे मौजूद है, garage से वो आगे बढ़ते ही यहाँ पे spot किया जाएगा, back side पे खिलाड़ी को spot. But Trailblazer उनका position पे flash आ जाएगा, Marzel was ready, Marzel will be picking one, help को जरूर एक, Rockfuel will be trading that, but Marzel देखिए back off करने का मौका ढूंढ रहा है, but उनके साथ देने के लिए Amaterasu आ चुके हैं. Hikka will be eliminate Marzel, he was making things difficult at side, but यहाँ पे दो साइड से क्लोज इन हो चुके हैं Hikka. साथ साथ वेलोसिटी गेमिंग की टीम काफी पैसिव खेल रही है, लेफ्ट टर्रेट के साथ साथ इंतजार कर रहे हैं टर्रेट रहने वाले Marzel का, बट उसके साथ साथ वो परफॉर्मेंस वहीं पे दिखाना चाहेंगे. Deathmaker सीवर्स पे एग्रेसिव पोजीशन ले रहे हैं, Trailblazer आने वाला है फ्रॉम द साइड ऑफ वेलोसिटी गेमिंग. वेल आरवीके यहां पे थ्रू द डोर हेलिफ को एक हेडशॉट कनेक्ट करेंगे एंड इसी के साथ नंबर्स वंस अगेन डिसएडवांटेज जाने वाला है वेलोसिटी गेमिंग का. देखिए Deathmaker को यहां पे इंफॉर्मेशन जरूर मिल जाएगा, स्कोपिंग करेंगे, ही नीड्स टू डैश आउट. वहां पे तीन प्लेयर्स रेडी है और Rockfuel देखिए ब्लेज के साथ अंदर आ रहा है, बट वहां पे राइट टू वेस्ट आ चुके हैं उनके हेल्प करने के लिए. शॉक शॉट विल बी डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ अ डैमेज, बट Deathmaker गोस टू फाइट विद दैट एंड अलोंग विद दैट एक नहीं दो किल निकालेंगे. बट ऑन द अदर एंड Rexy और RV के दो प्लेयर्स को एलिमिनेट यहां पे कर चुके हैं. दिस मेक्स लाइफ डिफिकल्ट फॉर द साइड ऑफ VLT. ये आखिरी फुल बाय होने वाला था Enigma की तरफ से. इस आखिरी फुल बाय को अगर एलिमिनेट करते VLT, इट वुड हैव बीन अ इक्वलाइजर, 2v2 सिचुएशन, 2-2 हो जाता स्कोर बोर्ड पे. बट देखिए साइट मिलता है, ये एंटीडोट गोज अग्रेसिव, उसको पता है कि यहां पे डिफेंडर स्पॉन से प्लेयर आने वाला है. लेट मी एलिमिनेट वन मोर प्लेयर, मुश्किल और ज्यादा हो चुका है. Deathmaker के पास एक आखिरी राइफल होगा, ही इज looking forward to save it, but right now he also knows ek player yahan pe lurk zarur kar rahe honge, us lurker ko eliminate karenge, 3k aa jayega Deathmaker aur blades activated right now. Deathmaker वो passive नहीं खेलते, he's an aggressive player. Marzel आगे आ चुका है front footing पे and antidote just इंतजार कर रहे थे उसका. Antidote उसका फायदा मिलेगा उनको. First blood आता है फिर से Enigma के नाम and things are not looking good for Velocity Gaming because information निकल चुका है. Neural Tap के साथ साथ यहाँ पे players को निकाला जाएगा. Trap wire जो कि यहाँ पे मौजूद था उसको तोड़ते यहाँ पे push किया गया, but right to ace weapon मिलते ही यहाँ पे एक घोर से kill निकालेंगे, एक Vandal से kill निकालेंगे. Back side पे अभी भी C back पे इंतजार कर रहे हैं. Hellef अगर एक kill निकाल जाते हैं RVK के ऊपर, well C side तो clear हो जाएगा. Right to West आगे आते हैं, किल निकालेंगे एक और. 3K for Right to West. Deathmaker gets one and I can see a thrifty round just around the corner. It's RVK जो कि अभी के लिए रोक सकते हैं इस thrifty को. कैमरा था, कैमरा से Deathmaker को स्पॉट करेंगे, बट इमीडिएटली वो कैमरा विल इज मेकिंग इट्स वे टुवर्ड्स ए साइड. प्लांट रहेगा Rexy के पास एंड Rexy प्लांट लेने के लिए आगे बढ़ तो सकते हैं, बट खतरा क्या है? कॉस्मिक डिवाइड का इन्वेस्टमेंट किया गया है. Rexy पोस्ट प्लांट में डेफिनेटली उनके पास फायदा रहेगा कि वो कॉस्मिक डिवाइड, यू नो, कॉस्मिक डिवाइड के साथ साथ आप बात करेंगे तो व्हाट डज ही हैव टू वर्क विद, ही हैज जस्ट हैज टू वर्क विद द हंटर्स फ्यूरी. बट कॉस्मिक डिवाइड खत्म होते ही खेल काफी ज्यादा चेंज हो जाएगा. Deathmaker उनके ऊपर एक शॉक डार्ट आता है, ऑपरेटर ऑलरेडी वो निकाल चुके हैं. जस्ट अराउंड द कॉर्नर इंतजार कर रहे हैं एंटीडोट. दो साइड में दो खिलाड़ी है, किसी भी हाल में ये राउंड निकालना पड़ेगा. Deathmaker आप देख सकते हैं वो अभी भी बैक साइड ही खेल रहे हैं, बट हेल्प आगे आने वाले हैं. हंटर्स फ्यूरी का इन्वेस्टमेंट दिया जाएगा Hikka. ये फ्लैंक इंपॉर्टेंट था उनको, थोड़ी देर पहले मतलब यू नो बस थोड़ा सा ही आगे आना था, नहीं आ पाए. What happens? Antidote के यहाँ पे दो किल निकालना पड़ गया. Rexy वेट कर रहे हैं, हेलेफ को यहाँ पे क्लच करके दिखाना पड़ेगा. हाफ डिफ्यूज नहीं किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाया जाएगा. आगे आते हैं हेलेफ, बट डज ही हैव एनफ टाइम टू डिफ्यूज द स्पाइक? आई थिंक ही हैज टाइम और नॉट. बहुत ही ज्यादा एक क्लोज होगा, चाहे वो एक्सप्लोड होता है कि नहीं. जी हाँ, आधा सेकंड का समय रहता है एंड स्पाइक हेलेफ के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है. हेलेफ को किसी भी हाल में ये राउंड होल्ड करना पड़ेगा. अगर वो होल्ड कर लेते हैं वेल इट्स अ गुड गेम फॉर हिम, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं फिर ये रीटेक 4v5 में भी कन्वर्ट हो सकता है. देखिए ग्रेविटी वेल बेहतरीन तरीके से सारे प्लेयर्स को स्लो डाउन करते हैं, बट अभी साइड में फंस चुके हैं रैंडम स्प्रे के थ्रू. हेलेफ का जो मुश्किल था वहां पे सी साइड में उसको एलिमिनेट कर देंगे, साथ में Marzel भी वहां पे निकल जाएंगे. नाउ इट्स गोइंग टू बी अ 3v5 सिचुएशन. सारे प्लेयर्स साइट में हैं, बट दे आर नॉट गोइंग इन फॉर अ पोस्ट प्लांट पोजीशनिंग. अग्रेसिवली सारे प्लेयर्स साइट में ही बैठे हैं क्योंकि उनको पता है एक ऑपरेटर है और दो राइफल.
ऑपरेटर अगर यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा देन दे हैव नथिंग टू वरी अबाउट। बट अभी देखिए गराज के हेल्थ वो पोजीशन से एंट्री लेने का मौका ढूंढ रहे थे, बट राइट टू वेस्ट अमित रसू वहां पे मौजूद थे। दो प्लेयर को जरूर निकालेंगे, राइट टू वेस्ट विल बी गेटिंग वन मोर, बट एंटीडोट वो सारा मुश्किल को हटा देंगे। डेथ मेकर विल बी गेटिंग वन 1v1 सिचुएशन, जरूर पिक्सेल दिख जाएगा। ब्लेच भी कनेक्ट करेंगे या फिर नहीं, गाइडिंग लाइट के अवेलेबल ट्रेल ब्लेजर के साथ साथ हिक्का आगे बढ़ रहे हैं। ट्रेल ब्लेजर के साथ यहाँ पे कंकस भी जरूर करेंगे मार्शल को, लेकिन पोजीशन क्लियर ऑफ करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है यूटिलिटी का। कंकशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हेलप यहाँ पे जरूर किल निकालेंगे रेक्सी के ऊपर, 4v4, 4v5 हेलप यहाँ पे दूसरा किल में निकालेंगे। रॉक फ्यूल यहाँ पे आगे आते हैं, रॉक फ्यूल इज ऑन अ रोल, 3k जरूर निकालते हैं। शेरिफ के साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी है डेथ मेकर की कि ये वो राउंड क्लच करके निकाल जाए, अगर नहीं निकाल पाते हैं देन 6-3 का लीड, वो भी हेवन के मैप के ऊपर। I don't believe what I'm seeing right now. Haven जैसे dominant map के ऊपर actually मैं Velocity Gaming back foot पे है। देखिए एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ, Deathmaker इस यहाँ पे अलग बॉट जो बी साइड में पिछले बार कमाल करके नहीं दिखा पाया, इस बार करेगा। It will be giving them info कि बी साइड पे एंट्री ले चुके सारे प्लेयर्स, स्पाइक प्लांट कर देंगे, अभी रीटेक का मौका है। They do have a chance to pull this back, एक 4v4 situation है। Marzil यहाँ पे backstab करने के लिए already निकल चुके हैं, इनको clear करना पड़ेगा, but the strapper will be doing all the information justice, उनको मिल जाएगा और Raw Fuel उनको eliminate सीधा करेंगे with the clean and crisp headshot। अभी Helf को वो position call out आ चुका है, but Raw Fuel also knows one of the other player should be coming out of the garage। अमतरसु एक player को जरूर window से निकाल लेंगे, but यहाँ पे और ज्यादा players थे जिनका position inside control maintain करने के लिए। Outdoor के साथ Rexy information निकालेंगे sewers का, but what happens आप देखिए Deathmaker वो लॉन्ग से ऑलरेडी फ्लैंक कर चुके हैं। रॉक फ्यूल आगे बढ़ते हैं किल निकालने के लिए, मार्जिल आएंगे लेकिन डेथमेकर साइड के ऊपर आ जाते हैं, किल निकालेंगे एक जरूर, रेक्सी उनको ट्रेड नहीं करते हैं एंड रेक्सी विद अ डबल ऑलरेडी, एक मैसिव मैसिव प्ले रेक्सी के द्वारा आता हुआ, बट मार्जिल स्टिल है गोइंग फॉर अ ट्रिपल राइट नाउ। रेक्सी डोमिनेटिंग दिस राउंड, एनिग्मा गेमिंग एक्चुअली डोमिनेट कर रहे हैं वेलोसिटी के ऊपर। आप देखिए डेथमेकर आगे बढ़ते हैं बट एंटीडोट वो स्प्रे बंद नहीं करते हैं, वैंडल के स्प्रे के साथ साथ एक किल निकालेंगे, दूसरा किल भी आता हुआ, ट्राइज टू गो इन फॉर मोर बट राइट टू वेस्ट एंड हेल्प यहां पे तीन खिलाड़ियों को न्यूट्रलाइज करते हैं, एक साथ मिलके ये राउंड कन्वर्ट हो सकता है, ये राउंड एक्चुअली एक जीत की तरह तब्दील हो सकता है वेलोसिटी गेमिंग के लिए। जो बिगेस्ट मैंने कमबैक देखा है हेवन के मैप के ऊपर, दैट हैज बीन द स्कोर लाइन ऑफ 12-5, क्या यहां पर एक्चुअली कन्वर्ट कर पाएंगे स्कोर को इज द बिगर क्वेश्चन हियर। राइट टू इस यहां पे 3k निकालते हैं, आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, आखिरी एक खिलाड़ी जो बचे हुए हैं वो है हिक्का। हेलफ वर्सेस हिक्का, एक 1v1 ड्यूल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हेलफ आ गया, हिक्का जो ए साइड आई वुड से गैराज पोजीशन खेल रहे थे, यहां पे सी लॉन्ग पुश कर चुके हैं बट ही इज नॉट एबल टू कनेक्ट द शॉट्स, इसके वजह से आरवी के गिर जाएंगे। यहाँ पे लग रहा है कि हिका भी गिरने वाले हैं और गिर भी जाएंगे क्योंकि हेलफ पुश करते हैं, एंड यहाँ पे लग रहा है कि जो लीड मिला था ना यहाँ पे थोड़ा गलतियां, ओवर कॉन्फिडेंट होके गलतियां करी है जिसके वजह से वीएलटी को ओपन इंच मिल रहा है। और देखिए यहाँ पे रेक्सी को पुश नहीं करना था बट ही अलोन स्विंग अप, बट एंटीडोट गैराज में एक सेफ पोजीशन खेल रहे हैं। एंटीडोट गेट्स अ 3k, ब्रिंग्स इट टू अ 2v2 सिचुएशन, स्पाइक प्लांट ही होने वाला था उसको डिनाई कर देंगे। और देखिए इमीडिएटली वीएलटी गो ऑन अ कॉशियस होल्ड, और अभी देखिए दे वांट टू पुश एंटीडोट बट एंटीडोट देखिए रीपोजिशन कर चुके हैं अपने आप को। एंटीडोट द मैन विद द बिग ब्रेन राइट नाउ, इट्स अ 4k फॉर हिम, दिस माइट बी द एस क्लच दैट कम्स इन। वेल एस क्लच मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज यू नो व्हाट, एंटीडोट He's on a roll. वो रोल पे जरूर है। Raw Fuel वेट कर रहे हैं, बट आखिरी खिलाड़ी कौन है? It's Helf. I'm just not gonna give the round yet to the side of Enigma Gaming because ये Helf है, ये Helf fighter है, and वो fight करना जानते हैं। उनके पास वो skills हैं, उनके पास वो potential है। He has what it takes to secure the round. But Spike कहाँ है? Spike यहाँ पे B पे plant पी के आ जाएगा। इसी के साथ साथ Antidote की position देखिए। He might just make it happen. He's gonna win. It's an ace clutch for Antidote. A massive, massive. Round and look at the happiness, look at the joy. एक एस के साथ ये मैप जीत करके जाते हैं Enigma Gaming